जो ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम एक पर्टिकुलर साइन वुड या ग्रेफ्ट वुड करते हैं, इससे हमें क्या होता है, एक अच्छा क्रॉप आता है जिसकी यूनिफॉर्मिटी बनती है और जो क्वालिटी अच्छा होता है, जैसे कि सॉफ्ट शेल्ड होंगे या सेमी हार्ड होंगे, ये क्वालिटी हम यहाँ पर बनाते हैं, इस क्वालिटी के प्लांट्स हम यहाँ पर बनाते हैं। अल्टीमेटली गोल ये है कि जो हमारा यहाँ पर जो प्लांट मटेरियल जो निकलता है, इलीट कलर इलीट प्लांट मटेरियल, वो हम अल्टीमेटली फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू वेरियस स्कीम्स। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट की तरफ आई ना, इसमें तो सक्सेसफुल ज़्यादा होता है। अगर हम इसमें ग्राफ्ट डालते हैं या बाड़ भी करते हैं, बहुत सक्सेसफुल होता है, बनस्बत के बाहर जो हम फील्ड में लगाते हैं उससे ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें होते हैं। फिर इसमें हम अगर बर्फबारी होती है उसमें भी हम काम कर सकते हैं इसमें, तो ये बड़ी मतलब डिपार्टमेंट ने बड़ा अच्छा किया। प्रोपेगेशन में हम दो तरह के करते हैं, एक तो सेक्चुअली और एसेक्चुअली। ये जो वॉलनट हमारा आता है ये एसेक्चुअल में आता है क्योंकि हमें इसमें ट्रू थ्रेडर टाइप प्लांट्स चाहिए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ ये जो इसका हम ग्राफ्टिंग या बेडिंग करते हैं उसमें जो सक्सेस रेट हमें बहुत कम मिलती है। उसकी वजह से हमें इनकी जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है, जो ग्राफ्टिंग ऑपरेशन है, वो ज़्यादा हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम करते हैं। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर मीन्स ये जो हाईटेक पॉली हाउसेज हैं या सेमी हाईटेक पॉली हाउसेज हैं, उनमें हम ज़्यादा वॉलनट की ग्राफ्टिंग करते हैं।